हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रो पार्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा था। अब यहाँ पे आपको क्या था रूल्स, हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो रूल्स देखिए। तो सबसे पहला जो रूल हमारा चेंज हुआ था वो किसमें हुआ था, रिपोर्टिंग वर्ब में हुआ था। तो रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरह से चेंज हुआ था ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे राम सेड टू मी, तो सेड टू को हमने चेंज किया था किसमें, टोल्ड में। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब कितने हो सकते हैं और किस किस टेंस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सैड है या सैड टू है, सबसे पहले देखिए सैड हमारे पास हो सकता है और सैड टू, तो ये दोनों जो हमारे वर्ब हैं ये किस टेंस में है, पास्ट में। ओके, अच्छा अगर सैड है तो यहाँ पे हम इसे चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सैड को हम इनडायरेक्ट में भी हम सैड ही लिखेंगे और सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। ओके, तो अगर पास्ट में होगा तो सैड या सैड टू होगा। इंट्रो वीडियो में बताया था, जिसने इंट्रो वीडियो नहीं देखा है वो पहले इसको वीडियो को देखेगा, जहां पे आपको क्लियर होगा कि हमने यहाँ क्लियर करा था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी हम टेंस चेंज करेंगे। अब वो आपके सामने है यहाँ पे कि आई एम अनवेल है, ये प्रेजेंट में है और यहाँ पे क्या हुआ, ही वॉज हो गया, मतलब एम को वॉज में चेंज करने का हमारा सेंस क्या था कि जो प्रेजेंट टेंस था वो हमारा किस में चेंज हो गया, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। इसके बाद देखते हैं पास्ट के बाद आता है प्रेजेंट, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट में भी हो सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास क्या होगा, या तो हो सकता है से टू, सेल एंड सेज टू, ठीक है। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि कहीं पे आपको जैसे दे दिया हैव या हैज, और इसके साथ हमारे क्या है, सैड है, ये ऐसे भी होगा, ठीक है। हैव है जो सैड देख के पास्ट में समझिएगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, किसमें होता है ये, पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए से है, ये हमेशा एक अपने मेमोरी में सेट कर लीजिए, जहां पे टू होगा वही चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो ये से है तो इसको हम से लिखेंगे, से टू को हम टेल में चेंज करेंगे, सेज है नो चेंज, सेज टू है तो ये हो जाएगा आपका टेल्स में। ओके, अब आता है हैव सेड और हैज सेड, इसमें नो चेंज रहेगा क्योंकि टू नहीं लगा हुआ है, तो यहां पे हम ऐसे आ जाएगा आपका हैव और हैज सेड। ओके, ठीक। अब इसके बाद आते हैं कि हमारा हुआ कौन सा, पास्ट हुआ, प्रेजेंट हुआ, और अब इसके बाद क्या होगा, आपका फ्यूचर होगा। फ्यूचर में क्या होगा, विल से टू नहीं है तो इसमें नो चेंज हो जाएगा, एंड विल से टू, तो विल से टू को हम चेंज करेंगे किसमें, विल टेल में। ओके, तो ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब हुए। तो सबसे फर्स्ट चेंजिंग हमारी कहां पे थी, रिपोर्टिंग वर्ब्स में थी। तो रिपोर्टिंग वर्ब्स यहां पे हमें पास्ट में था, सेट टू था, तो जो सेट टू था तो हमने किस में चेंज किया था, टोल्ड में चेंज किया था। ये जितनी चेंजिंग हमने आपको फाइव बताई है, 1 2 3 4 5, तो वो उसी अकॉर्डिंग हम आपके रूल आपको बताते जा रहे हैं, इसे लर्न कर लेंगे तो आपको ऐसे ही इसे चेंज करते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहली चेंजिंग होती है ये। अब नेक्स्ट हमारी जो चेंजिंग है वो क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है। तो जो सेकंड नंबर में हम आते हैं तो वहां पे हमें क्या है, कंजक्शन हमें गिवन है। तो कंजक्शन हमें असर्टिव सेंटेंस में हमेशा क्या यूज करना है, दैट। तो ये हमारी चेंजिंग नंबर टू। अब यहाँ पे देखिए आई एम अनवेल, तो इसको हमने लिखा था ही वॉज अनवेल, तो आई को हमने ही में कन्वर्ट किया था, तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउंस है। तो अब देखिए प्रोनाउंस में किस तरह से चेंज होगा,
अब देखिए ये आपको जो आपकी लोअर क्लासेस थी वहां पे क्लियर था, जैसे आई है ये फर्स्ट पर्सन हुआ, यू है सेकंड पर्सन है, ही है थर्ड पर्सन है, तो इसमें याद करने की कोई आपको नीड नहीं है। आप ये समझिए जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात स्टार्ट कर रहे हैं तो हम हुए फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रहे हैं तो आप हुए सेकंड पर्सन, सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं सलमान खान हुए थर्ड पर्सन। ठीक, अब देखिए कितने पर्सन हुए, थ्री, कौन कौन से हुए, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, ये थ्री पर्सन हैं आपके पास में। फर्स्ट पर्सन में आपके पास में नॉमिनेटिव केस में हम केवल आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, या तो आई होगा और क्या हो सकता है वी होगा। अब आई की जितनी भी फैमिली है, मी है माइन है, ठीक है, और वी की जितनी भी फैमिली है, वी हो गया और हो गया अस हो गया, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, फर्स्ट पर्सन में होंगे। सेकंड पर्सन में आप ही आने हैं, तो इसका मतलब क्या आना है, यू एंड योर, ठीक है, आप और आपका। और जो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में थोड़ा सा लिस्ट ज्यादा है, तो उसमें क्या आ सकता है, ही आ जाएगा, सलमान खान है तो ही आ जाएगा, ऐश्वर्या राय है तो यहाँ पे शी आ जाएगा, ठीक है, दोनों मिलके आ रहे हैं तो उसे हम दे बोल सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर नॉन लिविंग है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इट का जो यूज है प्रोनाउंस के चैप्टर में हम आपको कराएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि इट का भी रफली बता देते हैं कि कहीं पे भी नॉन लिविंग लिविंग होता है, एनिमल्स है, सीजन्स है, वेदर्स है, तो वहां पे हमेशा सब्जेक्ट हम इट को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जो लिखा जा रहा है, यहाँ पे जैसे हमने लिखा ये डायरेक्ट है और ये आपको चेंज करके इनडायरेक्ट में लाना है, सेम थिंग यहाँ पे है कि यहाँ पे डायरेक्ट है और हमें चेंज करके यहाँ पे जो हम दे रहे रूल्स हैं ये इनडायरेक्ट में है। आप देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, ये आई है फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन को हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमेशा चेंज करते हैं, ये अब यहाँ पे राम है तो ये मेल हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ही आ गया, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो नहीं है, अगर राम है तो यहाँ पे ही होना चाहिए था बट इट इज नॉट ही, तो अब ये आता है कि ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो सेकंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पे देखने हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में देखने हैं, रिपोर्टेड स्पीच का नहीं देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में तो चेंज करना है। अब यू को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज करा तो मी का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, आई, ओके। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में, सेकंड को ऑब्जेक्ट में किया हमने, थर्ड का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि अभी बताते हैं, तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा SON, ठीक है। अब यहां पे आता है एस, एस फॉर हो गया आपका सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नो चेंज, फिर एक बार देखिएगा, फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट कहाँ पे देखना, रिपोर्टिंग जिसमें यहाँ पे क्या था आपका राम, राम से मतलब है मेल, तो यहाँ पे क्या आ गया ही, यहाँ पे अगर होता फीमेल तो यहाँ पे क्या था आपका शी, अगर यहाँ प्लूरल में होता तो प्लूरल में हमेशा सब्जेक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, देम होगा, ठीक है। अब सेकेंड पर्सन में आते हैं तो अब देखिए सेकेंड पर्सन यू हुआ मी, तो मी का जो सब्जेक्ट बना है वो क्या बना है, आई है, ठीक है, अगर यहाँ पे होता हर तो यहाँ पे शी बन जाता, यहाँ पे होता हिम तो यहाँ पे ही बन जाता, तो ये आपके थ्री चेंजेस हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब में हो गया, उसके बाद कंजक्शन आपको दैट ही इसमें यूज करना है असर्टिव सेंटेंस में, और जो प्रोनाउंस है ये हमने बताया था कि प्रोनाउंस में जो चेंज है वो ऑल टाइप्स के सेंटेंस में कैसे है आपका, सेम है ये, ओके।